बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम के कप्तान रहे केएल राहुल की कप्तानी में छत्तीस पुजारा के बाद आया शुभम गुमिल का तूफान और जड़ दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का, बना दिया विश्व रिकॉर्ड। अगर आप जानना चाहते हैं छक्के की पूरी वीडियो, शुभम गुमिल ने कब छक्का मारा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आगे आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने 404 रन का लक्ष्य रखा था जिसमें शुभम गुमिल कुछ खास नहीं कर पाए थे और सस्ते में सिमट गए थे और इसके बीच बांग्लादेश की टीम मैच 150 रन में घरी हो गई थी जिसमें सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम को सस्ते में निकटा दिया था। बांग्लादेश की टीम मात्र 150 रन पर घरी हो गई थी और टीम इंडिया दूसरी पारी में शुभम गिल ने 110 रन की पारी खेली और तूफानी छक्के जड़े और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। शुभम गिल ने 3 छक्कों से और 10 चौके लगा दिए। शुभम गिल ने मात्र 13 गेंदों में 58 की पारी खेल दी थी और शुभम गिल ने पूरी पारी में 152 गेंद की सहायता से 110 रन की पारी खेली जिसमें शुभम गिल ने बांग्लादेश के बॉलरों को दबा दबा कर पीटा जिसमें बांग्लादेश की टीम के बॉलर भागते नजर आए। दोस्तों बातें उस वक्त की है जब मेहंदी हसन 50वां ओवर लेके आए थे जिसमें शुभम गिल ने लॉन्ग रन के ऊपर से इतना लंबा छक्का जड़ दिया गेंद स्टेडियम पास चली गई और दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़कर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसी प्रकार उनके बाद छत्तीस पुजारा ने भी दूसरी पारी में सेंचुरी लगाकर टीम इंडिया के लिए जीत के लिए कुछ ऐसे रन बटोरे जिसमें टीम इंडिया के लिए अहम रन थे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि शुभम गिल को T20 और वनडे में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। आप लोग हमें जरूर बताएं कि शुभम गिल दुनिया के नंबर वन टेस्ट में क्रिकेटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट कीजिए।